ये जैसे कि ऐसे जेडियो से बांध के रखते थे इनको। सो गाइस फाइनली बैक, और अभी हमने भी आंच के एक छोटी सी सिटी है, ये अराउंड 100 किलोमीटर्स है ये यतीनबर्ग से। और आपको एक सरप्राइज की बात बताऊँ, इन मोहतरमा को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, हम सेफली पहुँच गए, काफ़ी अच्छी बात है। मेरे साथ एक्सप्लोर भागी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई दोनों भाई बच गए ये मान के चलो। मतलब बीच में थोड़ी डिफिकल्टीज वगैरह आई हैं, आपको अगर थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह दिख जाएंगे वीडियो के प्रीवियस में। सो गाइस मेक श्योर कीजिएगा कि आप हमेशा सेफ ट्रैवल करो, सेफ रहो। और ये पीछे एक चर्च है, काफ़ी अच्छा चर्च है। सो गाइस अभी मैं चर्च के अंदर आ चुका हूँ, ये आपको जस्ट मेरे जो लेफ्ट साइड दिख रहे हैं, इसको द लिविंग टावर कहते हैं। और ये जो आपको अभी वॉइस सुनाई दे रही है, ये चर्च की है, इसी की है, ये जो आपको दिख रहा है ना पीछे द लिविंग टावर, इसी की वॉइस आ रही है। और जस्ट मेरे पीछे चर्च है जेरा, और हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, मतलब काफ़ी मीठी मीठी ठंड है। और अभी मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि सरप्राइज ये है कि अभी हम विलेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब फर्स्ट टाइम इन रशिया वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर विलेज लाइफ ऑफ रशिया। ठीक है गाइस, देखते हैं कि कैसी होती है। आई हैडंट, मतलब पहले कभी किया नहीं है कोई भी डिफरेंट कंट्री में, मतलब कोई भी इंडिया से बाहर, तो फर्स्ट टाइम एक विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला। और बाकी भाई बस वही है कि आप लोग का प्यार बनाए रखना, जितना प्यार करोगे उतना भाई आपका, जितनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करते हो, क्योंकि उस पर मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। वीडियोस को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर मेरा रेगुलर अपडेट रहता है कि मैं कौन सी टीम में हूँ फिलहाल, वो मतलब मेरा एग्जैक्ट अपडेट रहता है। और ट्विटर पे भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, और बाकी फेसबुक पे भाई का पेज है अभी ट्रैकर के नाम से, मेक श्योर कीजिएगा कि आप ज़रूर फॉलो कर लो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं एक्सप्लोरर भागी दिख रहे हैं, और जो उनके साइड में जो लेडी हैं वो हमारी होस्ट हैं, जिनका नाम ओल्गा है। और गाइस अभी हम उन्हीं के विलेज में जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये ओल्गा हैं और ये अपने एक्सप्लोरर भागी भाई हैं। और गाइस अगर व्यू की बात करूं, इस साइड रिवर है, ये रिवर है, और ये साइड में एक स्टैचू टाइप सा है, मतलब यहाँ पर जितने भी स्टैचूज हैं वो सारे के सारे बहुत बड़े बड़े राइटर्स की हैं। और ये द लिविंग टावर है, और इसके अगर जस्ट राइट लेफ्ट साइड की बात करूं तो ये हमारा आ गया चर्च। ठीक है, सो गाइस इस जगह के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिली है। ये गाइस जो जगह है ये फेमस इलीगल, मतलब इलीगल पैसा बनाने के लिए थी, अगर सिंपल भाषा में बात करूं। यहाँ का जो ओनर था उसका नाम था दिमीदेव, वो मतलब जो रशिया की सेकेंड क्वीन थी इटिना, उसके बाद आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, सो अगर गलत हो तो भाई माफ़ कर देना। उसके अलावा दिमीदेव थे वो, यहाँ पर जो आपको पीछे चर्च दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, इसके नीचे अंडरग्राउंड में यहाँ पर मतलब इलीगली कॉइन्स बनाए जाते थे। और ये भाई एक्सट्रीमली रिच थे, मतलब बहुत पैसा था इनके पास, ये हमारी होस्ट ने हमें बताया है। और गाइस मतलब यहाँ पर मैं आपको कॉइन्स वगैरह दिखाता हूँ भाई, कैसे टाइप के कॉइन्स थे और जैसे बनाया जाता था, मतलब इसके अंडरग्राउंड में बनाया जाता था। और उसमें ना मतलब लोगों ना मतलब ऐसे जो अपने क्या बोलते हैं चेन से बांध के रखते थे, लोहे वाले मोटे वाले चेन से, और फिर उनसे काम करवाया जाता था, मतलब अनलिमिटेड पैसा छापा है उस टाइम। तो भाई फिर बाद में शायद से मे बी गवर्नमेंट को पता चल गया होगा, और भाई बाद में शायद से इनको यहाँ से हटा दिया होगा। तो भाई ये मतलब ये जगह तो फेमस है मेनली इसी चीज़ के लिए फेमस है, मतलब दिमीदेव वन ऑफ द बेस्ट कॉइन मेकर था उस टाइम का, और यह डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स बनाता था इलीगली। ठीक है भाई, ये लीगली नहीं था, तो भाई एक्सट्रीमली रिच था ये, तो इसलिए जगह को फेमस कहा जाता है। तो इसके अंदर अगर जाने का मौका मिलता है तो नीचे पूरा सेटअप बना हुआ है कि कैसे मशीन्स थी, कैसे लोग काम करते थे, क्या स्ट्रक्चर था, एवरीथिंग नीचे है। लेकिन गाइज देखते हैं, अगर जाने की इच्छा होगी तो जाएंगे, वरना आई डोंट थिंक सो इतना जाना इतना इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये जगह जो प्ले फेमस है वो इस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो अच्छा भाई पता करके अच्छा लगा, मैं आपको कॉइंस दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस ये दिमीदेव के ये कॉइंस वगैरह थे, ये ऐसी मशीन टाइप था कुछ जिससे कॉइन बनाया जाता था। और ये पूरा का पूरा, ये जैसे कि ऐसे जेडियो से बांध के रखते थे इनको, और ये कॉइन टाइप है पूरा का पूरा।
ये एक मशीन का प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, ऐसी मशीन होती थी कॉइन्स बनाने के लिए। So guys, finally मैंने कॉइन बाय किया है, ये अराउंड 300 रुपीस का पड़ा है मुझे। तो गाइस काफ़ी अच्छा कॉइन है, सो दिखाता हूँ आपको एक बार कैसा कॉइन है खोल के। खुल जा, ये गाइस खुल चुका है, ये देखो आप एक बार। ये मतलब इस पे ना पूरा का पूरा इसका जो द लिविंग टावर है इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो ये ऐसा कुछ कॉइन है, सो हमने यहाँ की एक मेमोरी लेने के लिए लिया है। तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर आप आके ले सकते हो। मतलब ये जो जगह है ये अराउंड 100 किलोमीटर दूर है ये यतीन बग से। सो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और तेरे को कैसा लग रहा है एक्सप्लोरर भागी? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ तो गाइस काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मतलब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया ये जगह इसी चीज़ के लिए फेमस है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप यहाँ पर आते हो तो आप ज़रूर ये जगह विजिट करके जाओ। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं एक छोटे से मार्केट में थोड़े से शॉपिंग करने के लिए। तो हमने सोचा कि होस्ट के लिए कुछ खरीद लेते हैं, तो हमने क्या डिसाइड किया, हम ये खरीदने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, शायद से कद्दू है क्या? है नहीं, ये तरबूज है भाई, तरबूज जैसा है लेकिन अच्छा है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस कभी भी किसी होस्ट के पास जाते हो तो मेक श्योर कीजिएगा, कोई भी होस्ट के पास जाते हो तो आप उसको कुछ गिफ्ट दो, मतलब अच्छा रहता है यार, थोड़ा अच्छा रहता है। तो हमने सोचा कि हम उन्हें तरबूज देंगे। और गाइस मतलब यहाँ पर अच्छा रहता है थोड़ा सा, और बाकी विलेज में जा रहे हैं भाई, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, ठीक रहता है, कैसा रहता है, लेट्स सी। सो वेलकम बैक गाइस, अभी जो टाइम हुआ है 11:46 हुए हैं, और आज की जो डेट है 30 जुलाई है। सो आपको ऑलरेडी पता है कि हम एक विलेज में जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो इन बिटवीन एक चर्च हमें ऐसा मिला है, एग्जैक्टली इस चर्च का कोई नाम वगैरह नहीं है, लेकिन ये ना पूरा का पूरा आयरन का बना हुआ है। मतलब इसका एक एक चीज़ प्योर आयरन से बनी हुई है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। अगर आप पीछे देखते हो तो मैं आपको पूरा अंदर से चर्च दिखाता हूँ कैसा है, और बाकी भाई बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत मज़ा आ रहा है रशिया घूमने में। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप भी रशिया आते हो तो आप हर जगह एक्सप्लोर करो। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग को सभी एक्सप्लोर करते हैं, आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होगी, लेकिन आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि आपको कोई विलेज लाइफ देखने को मिल रहा होगा रशिया के अंदर। सो ये चर्च टाइप कुछ ऐसा है, ये पूरा का पूरा आयरन का बना हुआ है, इसमें मतलब एक भी ब्रिक नहीं है, एक भी सीमेंटेड पार्ट नहीं है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आयरन, प्योर आयरन। ये इसका एंट्रेंस है, तो यहाँ पर ना इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप चाहो तो कुछ भी चीज़ें बाय बाय कर सकते हो। गाइस देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब इसका जो पूरा का पूरा एक एक पार्ट है ना वो आयरन का बना हुआ है। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी इस चीज़ की यही है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें बाय कर सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा प्योर आयरन का बना हुआ है, और ये शायद से मोजरमा साफ वाफ कर रही है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये आपको जो पीछे जो दिख रहा है चर्च ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी हम डायरेक्टली जाएंगे विलेज के अंदर। और अभी फाइनली हम विलेज के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे कि कैसे आ गए, इनका लाइफ स्टाइल कैसे होता है। इंडिया का तो मोस्टली आप सब लोग को पता ही होगा, और गाइस अगर आपको कुछ भी पर्टिकुलरली जानना हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, सारे कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और आपको सजेशन दे सकता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू।
आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कोई ट्रैवलर का बहुत अच्छा करता हूँ सारी चीज़ें, भाई मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, अगर उससे आपकी हेल्प हो सकती है तो मेक श्योर आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, ठीक है? तो गाइज मेक श्योर कीजिएगा कि आप सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो।